सुरक्षा, छात्र की सुरक्षा और उसके बाद शिक्षा, दोनों का समन्वय, लेकिन पहले उसकी सुरक्षा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सदाबली व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, नीट 2020 पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, बहुत दिन से यूट्यूब पे वीडियो बनती जा रही हैं। अब फाइनली केस चला गया है एससी ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस चला गया है। अब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। उम्मीद करता हूँ आप सबके फेवर में डिसीजन आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी आप सबकी सिक्योरिटी के लिए चिंतित है, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है शिक्षा से पहले सेफ्टी एंड सुरक्षा है। क्योंकि जैसा आपने देखा कि आज मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, पहले ये वीडियो देखिए मिनिस्टर। उस पर हम कोविड का ठप्पा नहीं लगाना चाहते थे कि उसकी डिग्री, बोले कोविड डिग्री धारी है, इसको यहाँ कोई स्थान नहीं मिलेगा। वो उसकी जिंदगी पर वो ठप्पा नहीं लगाना चाहते। बाकी नीचे की कक्षाओं को हमने पदोन्नत किया, जो जो हम कर सकते थे। ये नए संस्थान कब खुलेंगे, क्या स्थिति होगी, किस तरीके से, अभी इस पर ये जो 10-15 दिन जैसे परिस्थितियां चल रही हैं, हम बहुत जल्दी बैठेंगे, राज्यों के साथ चर्चा करेंगे, संस्थाओं के साथ चर्चा करेंगे, गृह मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगे। और इन चर्चाओं को करने के बाद, क्योंकि हमारा टारगेट पहले सुरक्षा, छात्र की सुरक्षा और उसके बाद शिक्षा, दोनों का समन्वय, लेकिन पहले उसकी सुरक्षा। जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाते कि अब हम उसको सुरक्षित रख पाएंगे, तब तक वो निर्णय, देखा आपने कि इस बीच हमने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है। तो बहुत जल्दी फिर बैठ करके इस पर भी हम लोग निर्णय लेंगे। तो गाइस, अब मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं और एक दो दिन में मिनिस्टर भी अपना डिसीजन दे देंगे, क्या उनका उनके दिल में है क्या नहीं है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, और लेटेस्ट नीट के अपडेट के लिए तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।